मात सरस्वती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान आन बिराज कंठ में सुदे जइयो मुई ज्ञान तो सदा भमानी दाहिनी और सनमुख रेति गणेश पांच देव रक्षा करें सुब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ तो मेरे प्रिय सजनों, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से मैं आपके समस्त चंद्रावली लीला कहने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान देकर के सुनेंगे और देखिए कहां से हमने इस लीला का वर्णन किया है। तो गणपति गवरी सुवन को पहले ले हूं मनाई चंद्रावल लीला लिखूं सुगुरु को सी सुनवाए ग्राम एक रीठोर में थे ब्रखुभानी सुजाने चंद्रावल उनकी सुता सुथी सब गुण खान। बंधुओ ग्राम रीठोरी की बात है, ये नंदगांव के पास पड़ता है रीठोरी गांव। वहां के ब्रशवान थे, उनकी चंद्रावली और बहुत ही सुंदर थी। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, तो चंद्रावली इत चली दई सखियों को लेके साथ में नंद नंद घेरे गैल को बैठे थे उनकी घात में। इधर में चंद्रावली दही बेचने के लिए और मथुरा जाया करती थी। एक समय भगवान श्री कृष्ण रास्ता में गौए चरा रहे थे ग्वाल वालों के सहित। तो क्या होता है भैया, नित्यव्रत नए खेल रचाया करते थे और देखते रहते थे कि हमें क्या करना है। उस दिन क्या हुआ, आवत लखी चंद्रावली जब मोहन कहे मुस्क्याई के चंद्रावली प्यारी सखी माखन को दो चखाई के। आज जो चंद्रावली को देखा है, ओहो वो छलिया मार्ग में आ बैठे और बराबर में आई कहने लगे हैं। एक वाल ने चंद्रावली वैसे भी छुप छुप के जाया करती थी बंदो, रोज बहाना कर देती लेकिन दही नहीं चखाती थी। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं और सामने आ गए, मार्ग को घेर लेते हैं। बोले आज नहीं मैं जाने दूंगा। बोलो कन्हैया मेरे रास्ता को छोड़ दो। छोड़ो ना, नहीं। क्या कहने लगे हैं, अरे ग्वाल ने ना छोड़ू री डगरिया तेरे सर पे धरी गगरिया। हरी ग्वाल अकेले मैं बड़े दिनों से तरस रहा हूं लेकिन तू रोज बहाना कर देती है, आज कहां जागी छुप करके तू। आरी ग्वाल ने ना छोड़ू री डगरिया तेरे सर पे धरी गगरिया। अरे कहना छोड़ो ना, छोड़ दो ना, मैं
कल तुमको माखन जरूर खिलाऊंगी। अरे ओ चंद्रावली, तेरी कल तो मैंने होते ही नहीं देखी, मुझे बहाना करती है रोज, लेकिन आज ना आऊंगा तेरी बातन में। हाँ समझ ले। अरे हो ग्वाल में ना छोड़ू री डगरिया, तेरे सर पे धरी गगरिया। ए काना काना, अरे छोड़ दो तुम्हें मेरी कसम। सुनो, हाँ बिना चखाए आज दही में तोई नहीं जाने देंगो। बिना चखाए आज दही में तोई नहीं जाने देंगो। बहानो रोज बनावे करब लिए नहीं में मानेंगो। आज तो तू मेरे चक्कर में पड़ गई, लेकिन आज ना मानूंगो। एक आना तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो, हट जाओ ना, आज ना मानूंगो। हाँ अरे क्या तेरी ये कहना सुनू गमरिया, तेरे सर पे धरी गगरिया। ग्वाल ने ना छोड़ू री डगरिया, तेरे सर पे धरी गगरिया। आज चंद्रावली सोचने लगी, हाय मैया आज मैं कैसे जाऊंगा काना से दुख के, आज तो पालो पड़ी गयो। और मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से मैं वापस हो आऊंगी, लेकिन ये छलबलिया ना मानेगो। हाँ बने थने में आजो आई कैसी छलाया बनी मानेगो। बनठनी में आज आई कैसी सहलायब नहीं मानेगो। जाए वो नहीं सुखारो, हरी मैया आज कहाँ करूँ कैसे जाऊँ। ये जाए वो नहीं सुखारो मेरो थाने अपनी थाने गो। ऐसो कर लू या काना है, आजू में बातन में दे के जाऊंगी। और बंधु क्या किया, अरे क्या जाने तेरे पास संभरिया, तब नीचे धरी गगरिया। एक नैया तुम ना मानोगे, आज ना मानूंगा तेरी सौगंध, आज तो तोते दही खाए के जाऊंगा। हाँ अरे ओ मनसुखा, अरे आ जाओ रे। बंधु जो इतनी आवाज दी ना तो सब ग्वाल वाल खट्टू हो गए। वो भैया भी रह गई खट्टी, चंद्रावली दे कहने लगी, हरी मैया कौन सो बात बनाऊं, इन्हें कैसे बहकाऊं। समझ में तो आ गई। एक आना माखन खाओगे? हाँ हाँ जरूर। तो सुनो, ए पता लाओ थोड़े श्याम में माखन आया है, मैं कैसे खिलाऊं तुम्हें, मेरे पास तो एक मटकी है वो भी भरी हुई है, कोई बर्तन तो है नहीं। मुस्करा रहे हैं श्याम सुंदर। ए पता लाओ थोड़े श्याम में मन सबको बहलाऊंगी। पता लाओ थोड़े श्याम में
मन सबको बहलाऊंगी और क्या हाथ देकर दद को दान फेर में घर अपने को जाऊंगी। अब तुम जल्दी करो सवरिया मेरे नीचे धरी गगरिया। तुम्हारी सौगत अब तो तुम्हें खिला करके ही जाऊंगी। लो मैंने गगरी नीचे रख ली और तुम जल्दी जाओ पत्ता ले आओ। हाँ चंद्रावली आज धोखो तो ना देगी तेरी सौगंध कन्हैया मैं बिल्कुल ना धोखो दूंगी। अच्छा अरे वो मनसुखा चलो भैया चलो पत्ता लेके आओ जल्दी से। इधर क्या हुआ मेरे नौजवानों हाँ ग्वाल बाल सब मिलकर भैया पत्ता लेने को रह जाई। इधर तो श्याम सुंदर पत्ता लेने के लिए चले जाते हैं जंगल में। ओ पेड़ वृक्षों को देख रहे हैं कौन से बड़े पात है। इधर चंद्रावली सोचने लगी जादारी के मैं खिलाऊंगी आज। हाँ ले खा ले। क्या किया अरे धोखो देखे चंद्रावले तब घर अपने को भजी आई। धोखो देखे चंद्रावले तब घर अपने को भजी आई। अरे थारे हाथ मन सांवरिया तेरे सर पे धरी गगरिया। ग्वाल ना छोड़ू री डगरिया तेरे सर पे धरी गगरिया। भैया मनसुखा हाँ भैया कन्हैया चलो पत्ता तो मिल गए। हाँ भैया चलो अब माखन खाएंगे। मेरे नौजवानों जब तक ग्वालवाल आए तो चंद्रावली अपने घर वापस हो आई और कन्हैया पहुंचे भैया मनसुखा हाँ ले खाए ले माखन। मैं तो यार सोच ही रहो और मैं यावा है देर हो रह गई मुए कि आज बड़ो सो पत्ता ले चलू टोर के सवरी मटुकिया है कुरवा लंगो। लेकिन भैया ये तो मऊ छल गई रे। आज मेरे नौजवानों श्याम सुंदर जब शाम हो जाती है तो गैयों को वापस ले जाते हैं और खिरक में गैयों को कर दिया। रात में सो रहे हैं तो नींद काय को आवती है। सोचने लगे मैं छलिया नंद नंद को निकली बोछर चंद चंद्रावल मोए छल गई सुडारो ऐसो फंद। चंद्रावल के छलन को मन में कियो विचार रूप जनानो धरी रहे सो देखो कृष्ण मुरार। मेरे नौजवानों भगवान श्याम सुंदर ने सोच लिया कि चंद्रावल जैसे मुझे धोखा दे करके गई है चलूं आज मैं उसे छलने जाऊंगा। तो किस भेष में जा रहे हैं मेरे नौजवानों। आज श्याम सुंदर अपनी भेष को बदल रहे हैं और सिंगारों से गहनों से किस प्रकार से सज रहे हैं। अरे काना कर रहे सब सिंगारी चंद्रावल छलो करे वे को
कैसे भैया नंबर लगो है। अरे कंगी डोरा हाथ ले कैसी इसके वो गो है बाल, कंगी डोरा हाथ ले कैसी इसके वो गो है बाल, कानन में करन फूलो माथे पे है बेंदा लाल। जय हो मुरलीधर कन्हैया की। अरे शीश पे आह कानन में करन फूलो माथे पे है बेंदा लाल, अरे नाक में नथुनी सोए सच्चे मोती दिए डाल। अरे माथे पे टीका सो है जाके गोरे गोरे गाल। और क्या, अरे लीनो नैन ने कजरा सारी रे चंद्रावल छल करे वे को काना। अरे काना कर रहे सब सिंगा छलो करे वे को। और मेरे नौजवानों गौर से सुनिए आगे क्या हुआ है। लाली लेके हाथ का ना हो तो लिए रचाए, अरे लाली लेके हाथ का ना हो तो लिए रचाए, अरे काजर कोतल का ना थोड़ी पहलियो लगाए, काजर कोतल का ना थोड़ी पहलियो है लगाए। ए हसली हवेल जाने गलाली ने लटकाए, हसली हवेल जाने गलली लटकाए, देख देख दर्पण में मंद मंद मुस्काए। आज श्याम सुंदर सामने दर्पण रख कर के शीशा और अपने गहनों को पहन रहे हैं और बड़ा किस प्रकार से मुस्करा रहे हैं, जनाने बनते जा रहे हैं भैया। और आगे क्या हुआ भैया तूफानी रामवीर। अरे देख देख दर्पण में मंद मंद मुस्काए, अरे जको रतन जड़ा गुहार रे चंद्रावल छल करे वे को काना, कर रहे सब सिंगार रे चंद्रावल छल करे वे को। अरे बाजू बंद बंद परी बंद बोला न्यारे न्यारे, बाजू बंद बंद परी बंद बोला न्यारे न्यारे, खली और पसेरी मेरी आरसी ने मान मारे। अरे कमर पे तगड़ी सोए मोतिन के लच्छे डारे, ए झिलमिले झिलमिले देख तुम्हें लागे प्यारे। और क्या भैया, अरे बोले पायल की झनकार रे चंद्रावल छल करे वे को काना, करे रहे सब सिंगार रे चंद्रावल छल करे वे को। भगवान श्याम
सुंदर गहनों को पहन लेते हैं, श्रृंगार सब जनाना कर लिया, अब अकेले ही हैं और क्या किया उन्होंने। अंगिया पहनी चमकनी चूंदर लीनी धार, नटखट जाए नंद के सो बन गए नरसी नार। आज बंधु इस प्रकार से जनाने बनकर के श्याम सुंदर सोचने लगे, पहले मैया के पास चलूं, यदि मैया मुझे पहचान लेगी तो मैं नहीं जाऊंगो, यदि मैया ने ना पहचान पाओ तो चंद्रावले छल के आऊंगो। मटकी अपने सर पर रख ली और कहने लगे, अरे ओ मैया यशोदा सुन ले पुकारो, काना ने धर दई शरमी उतार, मटकी पोरी है मेरी बोरस की सुंदरी पा मैया, मैं कहा बताऊं तो है? अरे ग्वालिनी तू क्यों घबरा रही, क्या बात है, कहा करो मेरे लाला ने। मैया सुनो, मैया यशोदा सुन ले पुकारो, काना ने धरी दई सर में उतारो, मटकी बेगारी है मेरे न।
डानी। अरे ग्वालनी तू काय को निराश है रही, तू चिंता मत करे, आज आंदे वा कनुआ मैं देखूंगी आज। मैया और सुनो, ग्वाल बालों को संग में बुलावे मेरो दई को, ग्वाल बालों को संग में बुलावे मेरो दैया है सबको लौटावे। इकली को काना न जावे मैया, ना शरम रही मैंने कछु न कही, पीते तारीख है मेरे जाकट की, सुंदर पारी है मेरी रेशम की। ए मैया यशोदा सुन ले पुकार, काना न मटकी पोरी के मेरी गोरस की, है सुंदर पारी के मेरी रेशम की। जुल्म माता नहीं मैं सहूंगी, कंस राजा से जाके कहूंगी। यदि ना बर जाओ तो मैया सुन, आज ही मैं जाऊंगी। नना नना ग्वाल ने ऐसा मत करियो, कहूंगी जैसा काना है वैसा बनूंगी, गम बरसाने में ही रहूंगी। और क्या, अरे घर में पड़ो तेरे मूड़ चढ़ो, हाय नंद किशोरी है जानू नस नस की, गागर फोरी है मेरी गोरस की। ए मैया यशोदा सुन ले पुकार, काना ने रखी दई सर में गागरी पोरी है मेरी गोरस की, है चुनर पारी है मेरी रेशम की। अरे मैया या बरज ले वाए, नहीं तो समझ ले मैं आज ही जा रही हूं। नहीं ग्वालनी नहीं, ऐसा मत करे। जो ना माने कहने को तो मैं ले समझाए, कंस राजा की जेल में सो पढ़ो पढ़ो चिल्लाए। यदि तेरी ना माने मैया तो तू मैं बता दियो, फिर मैं देख लूंगी बा कन्हैया है। बोले नहीं गोपिका ऐसा मत करो। और भैया जब मैया ने ना पहचान पाए कृष्ण कन्हैया, बोले श्याम सुंदर, जसोदा मैया कहने लगी है कि अरे ओ गोपिका सुन सुन। अरे जसोदा बोली बहन मान ले, कहना मती घबरावे
मेलो कृष्ण बुलवाएरी करनी को फलो अब पावे। चिंता मत करे अभी बुलवाऊंगा। और सुनो, ए मटकी डारी फोर मगाऊ और मती पछतावे, मती पछतावे। माटी की मटकी के बदले में सोने की तुरत मगारे, माटी की बदली इधर मैया ने कहा, कैरी गोपिका कोई बात ना है, तेरी तो माटी की मटकी है, लेकिन चल मैं तुझे सोने की मटकी मंगवा देती हूं, लेकिन तू अब काउते कछु कहियो मती। बंधुओ, मैया इधर अंदर को चली जाती हैं, भगवान श्याम सुंदर जनाने बने खड़े हैं। और क्या हुआ? अरे जब हंसी बोले है मुरारी, अरे जब हंस गए कृष्ण मुरारी, मेरी माता भूरी अभारी। भैया सोचने लगे, बनेगो काम हाया मैया ना पहचान पाओ मैं, चलू अब तो चंद्रावल को छल के ही वापस आऊंगा। क्या हुआ भैया? अब ये सोचत जाई अगारी, अब ये सोचत जाई अगारी, मैं नहीं पहचानोरी मेहतारी। क्या हुआ मेरे नौजवानों? आज भगवान श्याम सुंदर जनाने बने चले जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं कहां? रीठोरी गांव में। हाँ, और वहां जाके क्या हुआ भैया? माता के सुनकर वचन चल दे कृष्ण मुरारी, गली गली में फिर रहे सो कहने लगी पुकार। क्या बोले हैं? वहां इधर उधर देखा उन्होंने गलियों में, तो उनकी बराबर की जो सखी दिखाई दी है, बोली अरे बहन आओ इधर आओ। और क्या पूछने लगे? अरे बारी सखी मोई ने कब बताए दे, कौन गली चंद्रावली, अरे ओ सखी मोइन के ये बता दे चंद्रावली कहाँ रहे, कौन चंद्रावली? हाँ, अरे बारी सखी ने कमोई बताए दे, कौन गली चंद्रावली। और क्या? मुख से न कहो तो उंगली उठाए दे, हाय कौन गली चंद्रावली। ए सखी तुम कहां से आई हो? बोले तुम हमें बताए दो, हम जो पूछ रही हूं बताए दो, चंद्रावली कहां रहे? सखी कहने लगी है, क्या बोली है? अरे बारी उमरिया सर पे गगरिया, हाय तेरी रही कोई बारी लली।
हरे वो हरे ऊंचिया टरिया लाल की वरिया दही बिलो बे चंद्रावली देख बे ना बू बू देख बू बू दिस रही है। हाँ सामने लाल की वरिया लगी है। हाँ वो ही है। अरे ऊंचिया टरिया लाल की वरिया दैया बुलो बे चंद्रावली देख बहना इतने है के चली जा दो वो गली गई है सीधी और वो अटारी दिस रही है वो चंद्रावली की है। अच्छा बहना मैं जा रही हूँ आज श्याम सुंदर पता पूछ करके। और क्या हुआ भैया? कृष्ण चंद्र ने जब सुनी और गगरी धरी उतारी चंद्रावल के द्वार पे सो बोले कृष्ण पुकार। आज बंदे पहुंच जाते हैं दरवाजे पर और कैसे आवाज लगा रहे और कहा कह रहे भैया रामवीर बार ए बहने ठाड़ी द्वार पे आरी चंद्रावली खोली की बार ए बहने ठाड़ी द्वारी आवाज लगाई और हुआ क्या है? अरे चंद्रावल आवाज सुनत ही बोली है मुश्किल हाँ चंद्रावल आवाज सुनत ही बोली है मुश्किल। जो चंद्रावल ने नीचे देखो बंधुओं तुम्हें तो खड़े ही हते हाय दौड़ के आ गई और क्या पूछ रही हैं? अरे कौन गाम की रहने वाली कौन पिता कुमार अरे कौन गाम की रहने वाली कौन पिता कुमार कहा नाम है ने कहा चंद्रावली हंस के कहने लगी अरे बहना तू कौन है कहां से आई है तेरे माता पिता कौन है और तेरे कहा पति को नाम है मैंने तो तू कबो ना देखी। श्याम सुंदर मुस्कुराए रहे हैं धीरे धीरे और क्या बोले हैं अरे श्यामा सखी है नाम हमारो तू जाने नाम अरे बहना हा श्यामा सखी नाम है मेरो तू जाने नाम ओई तू मामा की मैं फूफी की याद रही ना तोय। अरे बहना बड़ी जल्दी भूल गई तू हैं हम बालापन में छोटे छोटे आते ना तब दोनों एक साथ खेला करते भूल गई का? चंद्रावली सोचने लगी हो सकता है मुझे याद नहीं रहा हो। अरे तू मामा की मैं फूफी की याद रही ना तोय अरे कैसे नाम बताऊं तो कू हे परेशानो है सा
तुम्हारी बहन तू मामा की है, मैं फूफी की हूँ, तू भूल गई मेरी बालापन में शादी है गई, तासू तू याद ना रहोगे। चंद्रावली सोचने लगी, चल बहना कोई बात ना है, मन ही मन सोच रही है आगे क्या हुआ भैया। जो इतना परिचय दिया है, चंद्रावली कहने लगी, चंद्रावली सकुचाए के बोली हंस के बात, बहुत दिनों में तू मिली सो चलो हमारे साथ। चल बेना कोई बात ना, चलो भीतर बैठेंगे वहीं बातचीत करेंगे। श्याम सुंदर चल दे और हाँ तो बंधुओ इधर में आगे बढ़े हैं और जो भीतर चाले हैं दोनों जनी, चंद्रावली क्या सोचती है। अरे बहन बहन दो चलने लगी चंद्रावली कहवानी है, अरे छोरी जैसी चाल नहीं तेरी चाल लगे मर्दानी है। भैया अंदर को गए, चंद्रावली पीछे रह गई, भगवान तो आगे निकल गए। चंद्रावली सोचने लगी, भैया जी छोरी है का छोरा है, हर जगह चाल है ऐसी। चंद्रावली बोली, बहना ठहर रुक, वो बहना रुक। श्याम सुंदर खड़े हो गए, अरे बहन बहन तो चलने लगी चंद्रावली कह यो बानी है, अरे छोरी जैसी चाल नहीं तेरी चाल लगे मर्दानी है। श्याम सुंदर बात बना के कहने लगे कि अब कहूं मेरी पोल ना खुल जाए, जो पोल खुलवाई फिर रही है तो का कह रहे। अरे बहना सुने, अरे मेरे बाप के गौए बहुत हैं, तू सुन ले बहन सियानी है, गैयन के पीछे निस दिन डोलू जैसे चाल भाई मर्दानी है। ओ चंद्रावली बेना तू ना जान पावेगी, मेरे बाप के बहुत गौए थी, जब बचपन में मैं गौए चराए जाया करती थी इसलिए मेरी चाल जल्दी की हो गई है, तू संकोच मत करे काऊ आते आओ ना। अरे हाथ पकड़ चंद्रावली बोली, अब मिल ले बहन हमारी है, बहुत दिन में आई है तेरी से, तू हम बोते मिल तो ले। श्याम सुंदर बोली, हे भगवान हम तो जाने फिर पोल खोलेगी सोची। बंधु हे बहुत, अरे हाथ पकड़े चंद्रावली बोली, अब मिल ले बहन सियानी है, और भुजा पसारे मिली चंद्रावली बोली तब किलकारी है। चंद्रावल ने मिलकर के सोचा और जो भैया छाती थे छाती मिली माँ का कछुआ, तो चंद्रावल सोचने लगी, हाय जी तुम्हें को दंदुआ मालूम पड़ रहा दंदुआ,
क्या बोलिए एरी बेना, तेरी छाती तो मर्दन जैसी है बेना, तो शर्म ना आ रही पूछने में, तू ना समझ पाएगी देख मेरी छाती क्यों ऐसी है गई है। अरे छाती की क्या पूछे, अब बिगड़ी दशा हमारी है वो बेना चंद्रावली। अरे छाती की तू क्या पूछे, अब बिगड़ी दशा हमारी है, बालापन में ब्याह भयो में नौ भचन की महतारी है। ए चंद्रावली कोई काय पुहावेगी, मोते पूछ मोते, मैं नौ बच्चन की मेहतारी हूँ, हर सुख सुख के छोकर आ गई हूँ। चंद्रावली बोली बात में ही जाऊ नहीं बनी, चल और को उपाय करे हुई बेना, चले खैर कोई बात ना आए है गई होगी छाती ऐसी तेई, पर तू स्नान कर ले अब चल। श्याम सुंदर बोले मैया बका हो, पर सोच के वो कहा बोले ए बहना सुने, अरे मेरे घर में देवी अम्बिका पूजा में करती चितलाई। चंद्रावली सुने मैं बताऊं तो, मेरे घर में देवी अम्बिका पूजा में करती चितलाई, ए गढ़ा करो ए सियाने ने में परगर कभी नाना ने। ए पर घर में नानाई, हाँ पर घर कब हूँ नानाई, ए गढ़ा मेरो करो सियाने ने पर घर में कब नानाई। नौजवान भगवान श्याम सुंदर बात बना के कहने लगी, वो बहना चंद्रावली तो एक काय को मालूम पड़ेगी, सुने मैं नौ बच्चन के बाद में कोई बालक ना हो, तासु मेरे सियाने ने गड़ा कर दो, मेरे पिया जाते, मेरे पिया संतान बहुत चाहते हैं और मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने एक सियानो बुलवाए के और गड़ा करवा लो तासु बहना। बस सियाने ने जी कह दी पराएगर तू नहागी और तू नहाई ताई देना गजब है जागो, ताती बहना हूं नहा नहा रही। चंद्रावल बोली हे भगवान जाऊ जाको कछुरा भेद खोलो, पर चलो और देखेंगे उपाव, मो तो जी सखी भगी कछुना मालिम पर रही, पर चलो होगा सो देखो जागो, चल तू ना नहा रही तो सुने। करती ना स्नान तो सुने बहना मेरी बात, भोजन लहू बनाए कैसो हिल मिल खावे साथ। चंद्रावली सोचन लगी अब जी ये गुबानो रह गो देखूंगी, ए भोजन नहीं बनाए बहन हर साई करहिया धर के, अरे बहुत दिन ने मैं आई रे खिलाऊंगी मन भर के। बैठ जा बैठ जा बहना बैठ जा, बहन भोजन बनाए लो आज तो तबियत से खवाऊंगी। श्याम सुंदर बैठ गए और क्या हुआ भैया, ए पूरी लई बनाए कहीं ना जाए कचौड़ी न्यारी, कचौड़ी न्यारी वो सबदी रही बनाई रे चंद्रावर सी सुकुमारी। और क्या किया भैया मुन्नालाल जी, का बना रही चंद्रावली, अरे बढ़िया सी खीर बनाई, अरे बढ़िया सी खीर बनाई, जाने क्या ही करी मिठाई,
पास बुलवाई। थाली चंद्रावली सजा लेती है पकवानों से, पूरी और कचौड़ी, भैया नाना प्रकार के पकवान थे थाली में। अब चली है लिवावे के लिए और क्या हुआ, पहुंच गई पास में, हाथ पकड़ लो, बोली बहना अरे चंद्रावले बोले बहन बहनी भोजन करी ले। चंद्रावले चंद्रावल बोली ते हाथ पकड़, चंद्रावल ले गई बोली हंस के बात, हाँ हाथ पकड़ चंद्रावल ले गई बोली हंस के बात। अब कैसा तू बता दे बहना, श्याम सुंदर को जो आगे बढ़ी है, हाय माँ हाथ तकावे तो लठ से धरे। चंद्रावल बोली ये बहना तेरी बहना तो हाथ जी कैसे है रे। हाँ श्याम सुंदर बोले जे मानेगी ना, अरे ओ सुन सखी क्या कहने लगी, ए श्यामा सखी कहे सुने बहना, हे सुखो मेरो गात, ए श्यामा सखी कहे सुन बहना सुखो मेरो गात, ए चकिया पीस पीस में हारी, ए चकिया पीस पीस में हारी, सासो करे मेरे हाथ धीर मन में धरी ले। चंद्रावल बोली बहन बहने भोजन करी ले। मऊ बात बना दई, चल बहना खैर कोई बात ना, चल बैठ जा भोजन कर ले। थाली दो पड़ोसी थी और हुआ क्या, ए चंद्रावल संग जे मन लागी मोहन कर गए चाले, कैसी ए चंद्रावल संग जे मन लागे मोहन कर गए चाले, अरे दो ही कोर करे चंद्रावल इतना खाली है गयो थारो, तीरा तू में कहारी ले। चंद्रावल बोली बे बहने भोजन करी ले। इधर भैया चंद्रावली ने तो दो ही कौर मोह में लगाए पाए, तो तक तो इधर श्याम सुंदर ने बड़े जंदे जंदे लंबे लंबे कौर मारे, थार साफ कर दो जो देखो बगल में मुड़ के। चंद्रावल सोचने लगी भैया ये सखिए को कुछ सखा है, देखो खाए वो बड़ो बेढंग हुआ, एरी बहन तो ते सामने से कहो कुछ छीन रहो ना ढे सबर करके खा ले। अरे बहना तुम्हें ना पतो मैं जासू जल्दी खाती हूँ कि मेरी सास बड़ी लड़ू के बात बात पे मुझे झगड़ो करे और ने को देर है जाए भोजन करवे में तो बहुत मार लगावे बहना, तासु में जल्दी खावे की आदत पड़ गई। चंदे सोचने लगी चलो बात नहीं ना बनी, चलो अब देखो आगे क्या होगा। चंद्रावली समझ गई कि भैया मुझे तो ऐसा मालूम पड़े जी खोंदर पर के तो नहीं जा सकी, भाजी तो कछुआ दिस रही है। क्या हुआ इधर बंधु, चंद्रावली कहने लगी चल बहना भोजन कर ले अब चले आराम करेंगे। जो उठ के श्याम सुंदर चले
और साड़ी उनकी ना पीछे से सरक सी रही, जो हाथ उठायो तो नीले कोई भैया पर्दा उगा रह गई। आहा, जो ही कागज तो मुरलिया कमर में बंधी हुई है, कारी कम्बल को ओढ़े हुए थे। बोली देख लो, मैं तो वही सोच रही थी, झट ही तो हाथ पकड़ लो। और क्या कहने लगी, ओ छलिया मुझे तो पहले ही मालूम पड़ गई, कई बातन ते जाए रह रही। अरे तू कैसे आयो महल जनानी में, अरे रे तू कैसे आयो महल जनानी में, अरे तेरी रपट लिखाए दूं मथुरा के थाने में। अब ना छोड़ूंगी तो जैसा तेने करो वैसा तो मजा अवश्य चखाऊंगी। और क्या, ए बन के जनानो महलन आयो, हाँ बन के जनानो महलन आयो, जसुदा को तेने दूध ल जायो। अरे खोप तूने नहीं खायो भेसो बनाने में, अरे रे तेरी रपट लिखाए दूं मथुरा के थाने में। श्याम सुंदर खड़े हैं भैया भींजे से। अब चंद्रावली बोली, तेने भेजा लूट लूट के दिखावे, आज ना तो माफ करूंगी। अरे छलु कैबे को मजा चखाऊं, हाँ छलु करबे को मजा चखाऊं, माता जसोदा के, हाँ माता जसोदा के ले जाऊं। अरे भेदो तेरो लखी पायो सारे जमाने, मथुरा के थाने में। और क्या भैया, ए पाती राम जी कलम चलामे, हाँ पाती राम जी कलम चलामे, नेमी चंदी ने गाई सुनामे, हाजर मूरत के खेल निराले, हाजर मूरत के खेल निराले। और क्या, हाँ मुन्ना लाल मेरी आंखिन के तारे, अरे कहने ने धूम मचायो